आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। इसी के साथ समय हो गया है मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई खबर का। डालते हैं नजर मध्य प्रदेश पे। दुर्गा उत्सव के लिए बनाई गई है गाइडलाइन, जिसका हिंदू संगठन कड़ा विरोध कर रहे हैं। गाइडलाइन के अनुसार 6 फीट की प्रतिमा विराजमान करने का नियम बताया गया है, जबकि कई मूर्तिकार 10 फीट की प्रतिमा बना चुके हैं, तो कैसे होगा। और भी कई ऐसे नियम कानून हैं जो कि बनाए गए हैं, जिसका विरोध किया जा रहा है। गाइडलाइन का पुरजोर कड़ा विरोध कर रही है दुर्गा उत्सव समिति। और दुर्गा उत्सव समिति के रवि वर्मा ने बताया है कि क्या क्या खामी है और किस तरह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। धार्मिक कार्यक्रमों में ही कोरोना क्यों नजर आ रहा है, प्रशासन को ये भी एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है, क्योंकि बाकी सब कुछ हो रहा है, सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए इतने कड़े नियम क्यों बनाए जा रहे हैं। आम सभा हुई थी आपके सावेर, आम सभा हुई थी आपके मेयर अहुदे गुना हुई थी, बहुत सारी जगह ऐसी आम सभा, और आगामी चुनाव में, आगामी जो चुनाव है उसमें भी बहुत जगह आम सभाएं होंगी, सरकार के नेताओं की, मंत्रियों की, उनमें भी बहुत सारी मात्रा में भीड़ एकत्रित होंगी। और बहुत जगह ऐसी है जहां पर सरकार नेता जन अपनी टीम को लेकर एकत्रित होते हैं और वहां पर भी बहुत सारी मात्रा में भीड़ रहती है, तो ये कहीं से कहीं तक संभव नहीं है कि 10x10 के पांडाल में माता जी की प्रतिमा स्थापित होगी। पांडाल बड़ा ही बनेगा, इसको सरकार को आज हमने ज्ञापन दिया सभी नवदुर्गा उत्सव समिति के सदस्यों के माध्यम से, यहाँ पर एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से सरकार को ये इस बात से भी अवगत करा दिया है कि दुर्गा जी तो की प्रतिमा तो विराजमान होगी, एक साल में एक बार ये आज शारदीय पर्व आता है, माता मातृशक्ति का ये पर्व है, तमाम माताएँ बहनें इसकी उपासना करती है और बहुत सारे पुरुष भी इस माताजी की भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसे में अगर माताजी को बैठने की अनुमति अगर सरकार ने नहीं दी तो सारे हिंदू समाज रोड पर उतरकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और इस ज्ञापन के माध्यम से हमने सरकार को यह संदेश दिया है कि अपने आपने जो नियम भेजे हैं, बनाए हैं, उन नियमों में संशोधन करके दूसरे नियम बनाकर कम से कम 20 फीट का पांडाल, जो सभी नवदुर्गा उत्सव समितियों के पास में पहले से ही अवेलेबल है, सभी हर साल अपना टीन सेट कंप्लीट करा हुआ है और उस टीन सेट में कोई भी छाटा मिनी नहीं होगी, वो का वही टीन सेट लगेगा। हाथ जोड़कर सरकार से प्रार्थना करते हैं कि इसमें संशोधन करें और ये पर्व शांति का प्रतीक है और इसको शांति के साथ मनाने की हमें अनुमति प्रदान करें। नवदुर्गा उत्सव समिति जितनी भी खाते गाँव में, लगभग 25 से 30 समितियाँ खाते गाँव में, सब लोगों ने मिलकर आज मीटिंग की और ये निर्णय लिया कि शासन ने जो गाइडलाइन दी है कोरोना संक्रमण काल में, वो गाइडलाइन का अनुपालन करना अव्यावहारिक है, संभव नहीं है। उनकी गाइडलाइन के हिसाब से नवदुर्गा उत्सव समिति किसी हालत में दुर्गा महोत्सव नहीं मना पाएगी, क्योंकि नवदुर्गा महोत्सव जो शुरुआत हमारे हिंदू परंपरा में शांति शक्ति का प्रतीक है और इससे आशा और उमंग का संचार होता है। लगभग कोरोना काल में 8 महीने से लोग कुंठित हो चुके हैं और ऐसे में नवदुर्गा महोत्सव मनाना बहुत ज़रूरी भी है। और चूँकि लॉकडाउन खत्म हो चुका है, राजनीतिक पार्टियों की सभाएं साल शुरू हो चुकी जिसमें हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं, हालांकि हमारी समितियां संक्रमण काल में शासन के साथ है और कोरोना संक्रमण का अनुपालन करने की पूरी कोशिश भी कर रही है, लेकिन शासन ने जो अव्यवहारिक नियम, विसंगतिपूर्ण जो नियम बनाए हैं उसका अनुपालन करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में शासन से यही मांग है सभी समिति की ओर से कि वो एक बार पुनः विचार करें और व्यवहारिक रूप से गाइडलाइन बनाएं ताकि शांतिपूर्ण समारोह को मना सकें। खातेगांव नगर की समस्त सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समितियों के द्वारा एक ज्ञापन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम दिया गया है और वो इसलिए दिया गया है कि कोरोना को लेकर नवरात्रि मनाने के लिए सरकार ने जो गाइडलाइन जारी करी है उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। 10x10 का पांडाल बताया गया है और मूर्ति विसर्जन में मात्र 10 लोग की अनुमति दी है। अभी 28 अगस्त को जब खातेगांव में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे उस समय गाइडलाइन का कोई पालन नहीं किया गया, वहाँ पर अधिक संख्या में भीड़ थी, एयरपोर्ट पर भीड़ थी। उसके बाद में मध्य प्रदेश में जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम कांग्रेस चाहे भाजपा किसी के भी हो रहे हो, वहाँ पर सरकार की कोई गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। हमारी धर्म और आस्था के साथ सरकार अगर प्रतिघात करेगी तो हम सड़कों पर आकर इसका विरोध करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि नवरात्रि का उत्सव जैसे हम पहले मनाते आए ऐसा का ऐसा ही नवरात्रि उत्सव मनाएंगे। इसमें चाहे हमें जो करना पड़ेगा उसके लिए हम तैयार रहेंगे।